नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो Y33T मोबाइल में नेट स्पीड को शो कैसे किया जाता है स्टेटस बार पे। जैसा कि दोस्तों यहाँ हमारे मोबाइल में देख पा रहे हो, नेट स्पीड शो हो रहा है कि हमारा नेट कितनी स्पीड में चल रहा है। तो ये नेट स्पीड आप कैसे शो करोगे, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, नेट स्पीड को शो करने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार का, तो दोस्तों स्टेटस बार के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसके सामने ठीक है हमने इनेबल करके रखा है, तो यहाँ पे नेट स्पीड शो हो रहा है कि हमारा नेट कितनी स्पीड में चल रहा है। तो ये ठीक है, आपके मोबाइल में इस तरह से डिसेबल रहेगी तो यहाँ पे नेट स्पीड शो नहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इस टिक को इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दोगे तो आपके मोबाइल में स्टेटस बार पर नेट स्पीड शो होता हुआ दिखाई देता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप वीवो Y33T मोबाइल में नेट स्पीड को शो करा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।